हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एनवायरनमेंट की 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो को। उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों वीडियो के अंत में 10 क्वेश्चन एनवायरमेंटल पेडागोजी के भी ऐड किए गए हैं, तो आप पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत है। ठीक है, वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, यह आपको बताना है। तो दहन क्रिया द्वारा, कृषि क्रियाओं द्वारा होने वाला प्रदूषण, औद्योगिक निर्माण प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण, या फिर ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये सभी जो प्रदूषण होते हैं यह मानव जनित प्रदूषण हैं और यह सभी वायु प्रदूषण के उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दो है, किस वृक्ष को आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, किस वृक्ष को आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। आम के वृक्ष को, नीम के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को, या फिर यूकेलिप्टस के वृक्ष को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यूकेलिप्टस को वृक्ष को। लगभग आप सभी लोगों ने यूकेलिप्टस का वृक्ष देखा ही होगा। ठीक है, आसानी से यह कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। अब इसे आतंकवादी की संज्ञा दी क्यों दी जाती है यह आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, जो यूकेलिप्टस का पेड़ है वो अन्य पेड़ों की अपेक्षा 5 गुना अधिक पानी को सोखता है। इसे 5 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अन्य पेड़ों की अपेक्षा। साथ ही साथ इसकी लंबाई इतनी अधिक होती है कि यहाँ पर जहाँ पर भी यह वृक्ष अधिक संख्या में पाए जाते हैं वहाँ पर इनके नीचे कोई भी दूसरा वृक्ष नहीं पनप पाता है इनकी ऊँचाई की वजह से। ठीक है, इसलिए इसे आतंकवादी की संज्ञा दी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन थ्री है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है पर्यावरण गुणवत्ता का आधार बिंदु है। ठीक है, निम्नलिखित में से पर्यावरण गुणवत्ता का आधार बिंदु है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, स्वास्थ्य वर्धक हो, उत्तम आवास की व्यवस्था हो, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, पर्यावरण गुणवत्ता का आधार बिंदु है, तो ये सभी जो है पर्यावरण गुणवत्ता के आधार बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फोर, प्रदूषण का मानव जनित स्रोत है। ठीक है, प्रदूषण का मानव जनित स्रोत कौन सा है यह आपको बताना है। तो ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था वायु प्रदूषण का मानवीय या फिर मानव जनित स्रोत, यहाँ पर आपको प्रदूषण का मानव जनित स्रोत बताना है। ठीक है, तो औद्योगिक वहत स्त्राव, ठीक है, तापीय स्रोत, वहत मल, या फिर ये सभी ऑप्शन डी। तो इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी जो मानव जनित स्रोत हैं ये सभी प्रदूषण के स्रोत हैं। ठीक है, औद्योगिक बहत स्त्राव मतलब जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कल कारखाने होते हैं उनसे जो प्रदूषित जल होता है वह सीधे नदियों में मिला दिया जाता है, उसे औद्योगिक बहत स्त्राव के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फाइव लिखा हुआ है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी यह आपको बताना है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पर 1974 होगा। ठीक है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन सिक्स आपकी स्क्रीन पर, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं, स्विट्जरलैंड में, चीन में, जापान में, या फिर इराक में। तो सर्वाधिक भूकंप को झेलने वाला जो देश है वह है आपका जापान, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन सेवन लिखा हुआ है कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है, न्यूटन स्केल में, रिक्टर स्केल में, आर्किमिडीज स्केल में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है यहाँ पर रिक्टर स्केल में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाम याद रखना है आपको चार्ल्स रिक्टर के द्वारा 1930 में रिक्टर स्केल की स्थान जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चार्ल्स रिक्टर के द्वारा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रिक्टर स्केल नाम रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ आपको याद रखना है, भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आठ, लिखा हुआ है गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा से ध्वस्त हुआ था। ठीक है, गुजरात का भुज शहर जो कि कच्छ जिले में है, ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में है यह भुज शहर, और यह जो किस प्राकृतिक आपदा में ध्वस्त हुआ था, तो यह भूकंप में ध्वस्त हुआ था, ऑप्शन
सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2001 में बहुत ही तीव्र भूकंप आया था जिसमें यह शहर को बहुत ही जन और धन की हानि हुई थी। और आपने कांच महल का नाम सुना होगा, ठीक है, आयना महल। यह आयना महल जो है भुज शहर में ही स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 9 लिखा हुआ है, भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो समुद्री तट होते हैं ये सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में फानी चक्रवात, हुदहुद चक्रवात आदि के नाम आपने सुने होंगे। यह 2019 में दोनों चक्रवात देखने को मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, लिखा हुआ है, भारत में पर्यावरणीय विभाग की स्थापना का वर्ष कौन सा है? भारत में पर्यावरणीय विभाग की स्थापना कब हुई थी यह आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950, 1975, 1970 या फिर 1980। तो भारत में पर्यावरणीय विभाग की स्थापना हुई थी 1980 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय पर्यावरणीय विभाग का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहां पर स्थित है यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पिछली कई वीडियोस में, पिछली 3 से 4 वीडियोस में इस क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, भारतीय पर्यावरणीय विभाग का मुख्यालय कहां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और यहां पर क्वेश्चन जो है 11 यहां पर है, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था कौन सी है? विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था कौन सी है? रेड लाइन, रेड सर्कल, रेड क्रॉस या फिर लाइफ लाइन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेड क्रॉस सोसाइटी का आपने नाम सुना होगा। यह विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में भूस्खलन से प्रभावित है तो गंगा का मैदान, समुद्र तट, हिमालय क्षेत्र या फिर थार मरुस्थल? तो यहाँ पर हिमालय क्षेत्र जो है यह सर्वाधिक भूस्खलन को झेलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र सर्वाधिक भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, भूस्खलन की घटनाएं किस काल में सर्वाधिक होती हैं? भूस्खलन की घटनाएं किस काल में सर्वाधिक होती हैं? तो वर्षा काल में, शीतकाल में, ग्रीष्म काल में या फिर वर्षा के उपरांत या फिर वर्षा पर्यंत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा काल में। वर्षा काल में जो भूमि होती है वह दलदली हो जाती है जिसकी वजह से सर्वाधिक घटनाएं भूस्खलन की देखने को मिलती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, भूस्खलन की सर्वाधिक घटना वर्षा काल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 14 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो खनन, कृषि, समुद्र परिवहन या फिर उद्योग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि। कृषि यह जो है ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन वर्ष है। ठीक है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन वर्ष क्या है? तो इसका जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1985 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए, उसके जल में प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूस्खलन, अग्निकांड, भूकंप या फिर बाढ़? तो प्राकृतिक आपदा जो नहीं है वह है आपकी अग्निकांड। ठीक है, भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ और भूकंप यह सभी प्राकृतिक आपदाएँ हैं। नेक्स्ट है, भारत के तटवर्ती भागों में आने वाले तूफानों को कहते हैं? भारत के तटवर्ती भागों में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? तो चक्रवात के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में जो तूफान आते हैं उन्हें हम चक्रवात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है यह परिभाषा किसने दी है? जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है यह परिभाषा किसने दी है? तो यह जो परिभाषा है यह शब्द है फिटिंग के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है यह कहना है फिटिंग का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से पर्यावरण का घटक है मृदा, वायु, जल या फिर ये सभी? ठीक है, निम्नलिखित में से पर्यावरण के घटक हैं, तो ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं यह पर्यावरण के घटक हैं, मृदा, वायु और जल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जैव अजैविक घटक हैं, निम्नलिखित में से जैव अजैविक घटक हैं, तो निम्नलिखित में से जैविक घटक है यह आपको बताना है कौन सा जैविक घटक है। ठीक है, तो पादप, मृदा, वायु या फिर जल? तो यहाँ पर जो पादप है ऑप्शन ए यह जैविक घटक है पर्यावरण का। पर्यावरण की एक सिंपल सी परिभाषा है, समस्त जैविक एवं अजैविक घटकों को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो
यहाँ पर पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण की सूक्ष्मतम परिभाषा क्या है, तो यह आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 21 लिखा हुआ है, पर्यावरण शिक्षा का शुद्ध ज्ञान। यहाँ पर अब जो एनवायरमेंटल पेडागोजी है, यहाँ से 10 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है, पर्यावरण शिक्षा का शुद्ध ज्ञान निम्नलिखित में से किससे होता है, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा का शुद्ध ज्ञान निम्नलिखित में से किससे होता है, तो योजना विधि से, शैक्षिक पर्यटन से, संचार माध्यमों से, या फिर पर्यावेक्षक अध्ययन से। तो पर्यावरण शिक्षा का शुद्ध ज्ञान होता है किससे, शैक्षिक पर्यटन से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 22 है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में शिक्षार्थी है तो आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षार्थी है वह क्या है, यहाँ पर आश्रित चर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिक्षार्थी जो होता है वह आश्रित होता है, किस पर होता है, शिक्षकों आदि पर आश्रित होता है, कोई भी ज्ञान को प्राप्त करने और सीखने आदि के लिए। तो यह जो है आश्रित चर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 23 है, किसके द्वारा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल दिया गया है, किसके द्वारा ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल दिया गया है। तो यहाँ पर NCF 2005, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर राष्ट्रीय पाठ्याचार की रूपरेखा 2005 के अनुसार जो है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अपनाया जाए, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या अपनाया जाना चाहिए, तो यहाँ पर समूह शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, कंप्यूटर सह अनुदेशन, या फिर पारंपरिक शिक्षण। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन, इसे अपनाया जाना चाहिए पाठ्यपुस्तक प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 25 लिखा हुआ है कि संतुलित आहार और प्रोटीनयुक्त पदार्थों का होना आवश्यक है, क्योंकि ये शारीरिक अवयवों के निर्माण में सहायक हैं, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ये शरीर में स्फूर्ति बनाए रखते हैं, या फिर ये आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी, ये ऊर्जा की उत्पत्ति में अधिक उपयोगी होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 26, साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, साल, सागौन, बांस तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, मानसूनी बायोम के, रोम सागरीय बायोम के, विषुवृत्त रेखीय वन बायोम, या फिर मानसूनी सदाबहारी। तो यह जो वृक्ष हैं यह ऑप्शन ए मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन 27, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा दर्शाती है, क्या दर्शाती है पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा, मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा दर्शाती है मानव निर्मित कचरे द्वारा जनित प्रदूषण को, ठीक है। पानी का जो जल प्रदूषण होता है, यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है, यदि पानी में क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा है तो यहाँ पर यह हम मान सकते हैं कि जो मानव निर्मित कचरा है वह पानी में अधिक घुला हुआ है, इसके जो है इसके कारण से क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा है पानी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है, सेब, संतरा, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरों का स्वाद सभी से भिन्न था, क्योंकि इसका क्या कारण है। तो संतरे में सबसे पहले तो आपको बता दें विटामिन सी पाया जाता है, और यहाँ पर जो है संतरा हो गया, नींबू हो गया, आदि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए उन सभी से इनका जो संतरे का स्वाद है सभी फलों से भिन्न था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो किस प्रकार के व्यवहार से किसी बच्चे के तनावग्रस्त होने का पता एक शिक्षक को या फिर शिक्षिका को चलेगा, तो यहाँ पर आक्रामक व्यवहार से यह पता लगाया जा सकता है कि कोई भी जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, वह तनावग्रस्त है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन 30 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, अधिगम में से मूल्यांकन का उद्देश्य, अधिगम में से मूल्यांकन का उद्देश्य है, ठीक है, तो क्या है इसका उद्देश्य, प्रक्रिया में सुधार करना, अधिगम में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है क्या होता है, ठीक है, तो प्रक्रिया में सुधार करना, विश्वसनीय जानकारी, या फिर पाठ्य पुस्तक की उपयुक्तता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है, ये सभी उद्देश्य होते हैं अधिगम
के बाद में मूल्यांकन करने के। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मुलाकात होगी आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।